और एक बड़ी खबर कि दिल्ली में हीट स्ट्रोक से 5 मरीजों की मौत हो गई है। आरएमएल हॉस्पिटल में 2 दिन में 5 की मौत, 12 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 दिन में ही 23 मरीज गर्मी की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। आरएमएल में इस गर्मी में अब तक 50 मामले आ गए हैं। गर्मी से हीट स्ट्रोक से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा बिनसर अग्निकांड मामला, एक और फायर कर्मचारी की मौत हो गई है। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान मौत की खबर, बिनसर घटना में मृतकों की संख्या अब 5 हो गई है। अब तक जिले में जंगल की आग से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हरिद्वार में पुलिस और एक टूरिस्ट के बीच विवाद हुआ, जिसे प्रदेश में अब एक बार फिर से टूरिस्ट पुलिस की कमी महसूस होने लग गई है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ समय पहले ही टूरिस्ट पुलिस का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। देखिए इसे पर रिपोर्ट। हरिद्वार में टूरिस्ट और पुलिस के बीच हुआ बवाल हो, या ऋषिकेश में कैंपिंग और राफ्टिंग में हुई टूरिस्टों से मारपीट की घटना हो, या चारधाम में यात्रियों के साथ की गई अभद्रता का मामला हो, ये वो घटनाएं हैं जो पुलिस के साथ प्रदेश के पर्यटन और तीर्थाटन पर भी प्रभाव डालती हैं। लेकिन इन घटनाओं से सबक लेते हुए अब पुलिस अधिकारियों को भी प्रदेश में पर्यटन पुलिस की कमी महसूस होने लगी है, जिसके लिए चारधाम यात्रा से पहले ही एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्रस्ताव में प्रदेश में एक अलग छवि के लिए टूरिस्ट पुलिस का खाका तैयार किया गया था। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए, तो प्रस्ताव हमारा यहाँ भी विचाराधीन है। अभी जैसे केरल इत्यादि क्षेत्रों में स्पेशली जहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर पर्यटक पुलिस का प्राविधान है, तो हमारे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। इस संबंध में आप मुख्यालय स्तर में मंथन भी किया गया, तो इसका प्रस्ताव बना के, क्योंकि देर सवेर हमें आवश्यकता पड़ेगी। पर्यटन पुलिस का ढांचा केरला और गोवा जैसे राज्यों में है। यहाँ किसी भी टूरिस्ट की समस्याओं को दूर करने के लिए और सही से गाइड करने के लिए टूरिस्ट पुलिस अलग से मौजूद रहती है। वहीं प्रदेश के होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी मानते हैं कि टूरिस्ट पुलिस का इस प्रदेश में होना बेहद जरूरी है, जिससे पुलिस और पर्यटन के बीच होने वाली घटनाओं में रोक लग सके। बिल्कुल, अगर हो तो जो है देहरादून में जो है अगर वैसी पुलिस हो, कोई अरेंजमेंट करे हमारी सरकार, तो जो बहुत बेनिफिट होगा। जैसे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।